दमन में कोरोना की रविवार को छुट्टी रहने के बाद आज सोमवार सुबह 1 साथ 12 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं। यह सभी केस डाबेल आटियावाड़ विस्तार में दिखने को मिले थे। इसी के साथ दमन में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस का अंक 39 पर पहुंचा है। दमन में प्रशासन द्वारा कोरोना के खिलाफ कामगिरी करने के बावजूद पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। गत शनिवार को दमन में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दमन की विविध चौल में से 12 लोग कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिली थी। यह सभी पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए थे और क्वारंटाइन में थे, जिनका कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आते आरोग्य विभाग के अधिकारी में भागदौड़ मची थी और सभी को इलाज हेतु कोविड हॉस्पिटल में दाखिल कर विस्तार को सैनिटाइज कर सील करने की कामगिरी शुरू की थी। दमन में अब तक कुल 39 कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से एक केस रिकवर होते छोड़ने में आया है। तो इसी के साथ दमन और डाबेल को मिलकर कुल 18 जितने विस्तार को कंटेनमेंट जोन जारी कर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है। वलसाड छिपवाड़ के रेलवे करनाले के लोकार्पण के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का नेताओं ने भंग किया। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने इनॉग्रेशन की खुशी में सोशल डिस्टेंसिंग का भंग किया। विधायक सांसद खुद साथ में पूजा में बैठे। पालिका के अनेक सभ्य और कॉरपोरेटर और लोग एक मंडप में साथ में इकट्ठा हुए। विधायक भरत पटेल, कनु देसाई, सांसद केसी पटेल और कांग्रेस के भोला पटेल और गिरीश देसाई ने खुद सोशल डिस्टेंसिंग का भंग किया। वलसाड में एक तरफ 69 जितने कोरोना पॉजिटिव केस है, तब राजकीय नेता सोशल डिस्टेंसिंग का भंग कर रहे हैं। वलसाड नजदीक आए डूंगरी हाईवे स्थित शिव गैलेक्सी नाम की होटल में चल रहे एक हाई प्रोफाइल जुए का अड्डा सामने आया, जिसमें लाखों का माल भी पुलिस ने जब्त किया होने का सामने आया है। इस जुए में वलसाड के मनोज सोनी नाम के व्यापारी सहित 15 हिस्सों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मनोज सोनी सोना लेकर पैसे ब्याज से देता है और ज़रूरतमंद के पास पैसे ना हो तो ब्याज पड़ती कीमती गहने अपने कब्जे में कर लेता होने का सामने आया है, जिसको गैरकानूनी जुए खेलते पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके साथ दूसरे इसमों को भी पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार कुंडी चौकड़ी नजदीक आई होटल शिव गैलेक्सी में जुए का अड्डा सामने आते विवाद में आई है। जुआ खेलते सर्वोदय ज्वेलर्स के मनोज सोनी के साथ 15 इसमों को गिरफ्तार किया होने की जानकारी मिली है और 2,32,540 रुपये जब्त किया है। साथ में 10,13,040 की गाड़ी जब्त की है और होटल मालिक दीपक राम प्रकाश गुप्ता के साथ कुंडी गांव के सरपंच जयेश पटेल, वलसाड के व्यापारी मनोज ठाकुर भाई सोनी सहित अन्य तहसील सभ्य के पति को लाखों के माल के साथ डुंगरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना की वजह से वलसाड जिला में चकचार मच गया है। डूंगरी कोस्टल विस्तार में
कुंडी गाम नजीक शिव गैलेक्सी होटल आवेल छे। तेनी अंदर केटलाक इसमो अंगत खानगी राय प्रथम माळे जुगार रमाय छे तेवी बातमी हकीकत मळता अने ते जुगार ते होटलनो मालिक पोते ज रमाडे छे तेवी हकीकत मळता अमो खानगी राहे ત્યાં જઈ રેડ કરતા કુલ્લે રૂપિયા 232,540 રોકડ તેમજ વાહનો સાથે મળી કુલ 10,13,000 મુદ્દામાલ કબજે કરેલ છે। કુલ 15 લોકો હતા અને બધા અલગ અલગ વિસ્તારના હતા। તેઓ જુગાર રમવા માટે આ જગ્યાની પસંદગી કરી અને અમુક સમય સુધી એ લોકો જુગાર રમાડવાના જે હોટલ માલિક તરફથી પૈસા જે લેવાનું નક્કી કરેલ તે મુજબ ખાનગી રાહે પ્રાથમિક વિગત મળતા તેઓને ઝડપી પાડ્યા છે। કુલ રૂપિયા 232,540 રોકડ મુદ્દામાં એ અરજીતના દાવ પરથી મળી આવે છે અને વાહનો 10,13,000 રૂપિયાનો કુલ મળી આવે છે। ઈસમો પૈકી વાપી વલસાડ તેમજ સુરતના ઈસમો છે અને બધા જનરલી મિત્રો છે અને તે અમુક અમુક તો એક જ સમાજના છે અને બહુ લાંબા સમયથી ઓળખે છે। નજીકમાં હોટલની નજીકમાં આવેલ કુંડી ગામના માજી સરપંચ જયેશભાઈ પટેલ તે આની અંદર પકડાયેલ છે અને જે વ્યક્તિ છે તે પૈકીના એક વ્યક્તિ તેમના મિત્ર છે। सीनियर PSI SB चाला और हेड कांस्टेबल जग जीवन दिनेश भाई, अन्य स्टाफ परिया गांव में बंधाणी फलिया में सुरेश भाई बल्लू भाई पटेल के घर के पीछे छापा मार जुआ खेल रहे नवसारी जिला में पुलिस विभाग में फर्ज निभाते पुलिस कर्मी के बेटे दिनेश भाई उर्फ दिव्येश अमृत भाई पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 35, जो डुमलाव भगत फलिया में रहते हैं और परिया बरवाड़ी निवासी पूर्व GRD का जवान राहुल शैलेश पटेल, जिसकी उम्र वर्ष 22, बंधाणी फलिया निवासी सुरेश बल्लू भाई, परिया बंधाणी फलिया निवासी विनोद बल्लू भाई पटेल, इन चारों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21,500 नगद, 10,000 के मोबाइल, 2 वाहनों की कीमत 60,000, मिलकर कुल 91,500 का माल जब्त कर छापा मारा। उस वक्त भागने वाले धनसुख प्रवीण भाई पटेल निवासी डुमलाव, परिया बांधाणी फलिया निवासी प्रमोद सुरेश भाई पटेल, परिया वेलवागढ़ निवासी महेश बाबू भाई हलपति, टुकवाड़ा निवासी ललित खंडू भाई पटेल को वांटेड जारी कर जुआ एक्ट की विविध कलम के तहत गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। तेरा पप्पा शू करे? क्या गढ़? सामा छे? तो पप्पा ने खबर पड़ी की नहीं? હમણે ક્યાં નોકરી કરે તું? અત્યારે તો કરે છે. નહીં પણ હોમગાર્ડમાં હતો ને? ના, GRD હતો. GRDમાં ને? હા, તો અત્યારે ક્યાં કરે? GRDનું અત્યારે નથી આવતો હું. दमन के डाभिल विस्तार में डीमार्ट मॉल के सामने आज दोपहर के वक्त हादसा हुआ था, जिसमें नजदीक में खड़े पुलिस कर्मी का चमत्कारिक बचाव हुआ था। आज दोपहर दमन के भीमपुर की एक कंपनी का ट्रक चालक डाभिल की किसी कंपनी में डिब्बे भरने ट्रक लेकर जा रहा था। उस वक्त डीमार्ट मॉल के सामने ट्रेनिंग पॉइंट पर अचानक ट्रक की ब्रेक फेल होते ड्राइवर ने स्टेयरिंग से काबू गुमाया था और ट्रक सीधी रोड के डिवाइजर के बीच लगे बैनर पर जाकर टकराई थी। उस वक्त वहां खड़े पुलिसकर्मी तुरंत जगह से हटते बच गया था। साथ ही में बैनर के मजबूत पोल की वजह से ट्रक रोड के बीच रुकते ट्रक में सवार तीनों बच गए थे, जो कि अच्छे नसीब से यह समग्र विस्तार कोरोना की महामारी की वजह से सील होने से यहां वाहन व्यवहार बंद था, जिससे रास्ता खुला होने से हादसे में बड़ी जानहानि होते बच गई थी। हादसे के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई थी और बैनर और ट्रक को रास्ते से हटाकर आगे की जाँच शुरू की है। वहाँ से ब्रेक मार रहा हूँ, वहाँ से ब्रेक नहीं लगा, ब्रेक फेल हो गया, बिल्कुल फेल ही हो गया। इधर वो अपने भीमपुर से आ रहे थे, भरने जा रहा था डाबेल, वो कंपनी का मैसेज आया है डब्बा भरने जा रहे थे। ट्रक ये बलविंदर सिंह का है, केलो नोड में।
वापी नजदीक मोराई विस्तार में रहते एक युवक ने 13 साल की नाबालिग पर दुष्कर्म करते चकचार मच गया है। इस इसम की पत्नी का कोरोना पॉजिटिव होते हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है, जिस दौरान पड़ोस में रहती बच्ची को रूम में बुलाकर दुष्कर्म कर किसी को ना बताने की धमकी दी थी। पूरे मामले बच्ची के माता पिता ने पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाते दुष्कर्म करने वाले युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की है। नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले हवसखोर की बीवी प्रेग्नेंट है और कोरोना पॉजिटिव आते हॉस्पिटल ले जाने में आया है। पत्नी की गैर मौजूदगी में क्वारंटाइन हुए पति ने गैरलाभ उठाकर सगीरा के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी पति के सैंपल 10 दिन बाद आरोग्य विभाग द्वारा लेने थे, जो कि उससे पहले दुष्कर्म करते पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वापी में कृष्णा कॉलोनी मुक्तानंद मार्ग पर वर्धमान अपार्टमेंट में रहती युवती तीसरे माले से नीचे गिरते पैर में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोट पहुंची थी। हाल युवती को हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। तब इस घटना अंतर्गत युवती ने पुलिस स्टेशन में उनके प्रेमी, प्रेमी के माता पिता और बहन के खिलाफ फरियाद दर्ज करवाई है। पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई फरियाद अनुसार युवक अवनीश उर्फ सत्यम हरिप्रकाश मिश्रा युवती के साथ प्यार में था, जिसके दौरान युवक ने युवती के घर आकर उनकी बाइक भिलार पुलिस स्टेशन में जमा करवाई थी। उनको छुड़वाने पैसे की जरूरत थी, इसलिए कान की बुट्टी देने की मांग की थी, जिसको देने से युवती ने मना करते युवती के साथ झगड़ा होते उनके माता पिता और बहन को युवती के घर बुलाकर झगड़ा किया था, जिसके दौरान युवक के माता और बहन ने युवती को मारा और युवक ने युवती को तमाचा मारते घर के तीसरे माले से नीचे गिर गई थी, जिसको हॉस्पिटल में इलाज दिया जा रहा है। इस फरियाद अंतर्गत पुलिस ने जांच शुरू की है। वलसाड के कुंडलाव ब्रिज पर फरज निभाते पुलिस कर्मी द्वारा वाहन चेकिंग किए जा रहे थे, उस दौरान एक वाहन चालक को रोकते वह भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ा था। उस दौरान पुलिस द्वारा कार्यवाही करने में आई थी। उस दौरान उसके भाई ने पुलिस पर हमला किया था और बुलेट चढ़ाने का प्रयास किया था। बुलेट नंबर GJ15BQ3797 आनंद राजसी वीरा और उनके छोटे भाई भावेश के खिलाफ वलसाड रूरल पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। वापी के दाता ग्राम पंचायत में आए वल्लभ नगर में साईधाम बिल्डिंग में एक व्यक्ति का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते आरोग्य की टीम द्वारा हॉस्पिटल में दाखिल करने में आया था और बिल्डिंग को सील कर क्वारंटाइन की थी। आज इस बिल्डिंग को क्वारंटाइन किए 16 दिन हो गए हैं। बिल्डिंग में रहते रहीसों द्वारा अपील की जा रही है कि 14 दिन खत्म होते हमें भी क्वारंटाइन से मुक्त करो और नौकरी करते लोगों की हालत गंभीर बनी है, साथ ही में नौकरी छूट जाने का डर सता रहा है। प्रशासन रहीसों के बारे में सोचकर क्वारंटाइन से बाहर निकाले, ऐसी मांग बिल्डिंग में रहते रहीसों द्वारा की जा रही है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में विजेता बने तेज दुनिया में वलसाड जिला का नाम रोशन करने वाले वलसाड जिला के धर्मपुर कपराड़ा तहसील के ब्लाइंड क्रिकेटरों की अत्यंत गंभीर परिस्थिति की जानकारी मिलते वलसाड तहसील के गुंडलाव ग्राम पंचायत मित्र मंडल और सरपंच नितिन भाई पटेल और उनकी टीम ने खिलाड़ियों की मदद करने का तय किया और सभी युवा रविवार को जहाँ क्रिकेटर प्रैक्टिस करते हैं वहाँ जाकर देश का गौरव बढ़ाने ब्लाइंडर क्रिकेटरों को अनाज सहित जरूरी चीजों की किट देने में आई। दुबई, केपटाउन और पाकिस्तान में खेली T20 वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप में भारत की टीम में शामिल होकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले वलसाड जिला के कपराड़ा और
वास्ता तहसील के खिलाड़ियों को सरकार और जिला तहसील के सरकारी तंत्र के वर्तन को लेकर रोजगारी या आर्थिक सहायता ना मिलते वह गरीब परिस्थिति के बीच जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक या दो खिलाड़ियों को छोड़कर 15 से ज्यादा क्रिकेटर खेती कर दूसरे के वहाँ मजदूरी कर या दुकान खोल कर परिवार का गुजरान कर रहे हैं। हाल लॉकडाउन को लेकर मुसीबत बड़ी है, तब धर्मपुर कपराड़ा वलसाड़ के राजकारणियों या सरकारी विभाग ने कोई मदद नहीं की। ऐसे वक्त गुंडलाव के युवा सरपंच और उनकी टीम द्वारा कपराड़ा तहसील के मांडवा पहुंचकर ब्लाइंड क्रिकेटरों को जरूरी चीजों की किट का वितरण करने में आया। जे मारा मित्र छे तेनी जोड़े नक्की करू के एमने कंईक आपणे थी बनती सहाय करवी जोईए ए एवा मकसद थी एमने मळवू पण हतुं अने आजे सहाय आपवाना आशय थी एमने मळवानुं थयुं अने एमने मळीने मने खूब ज खुशी थई के जे इंटरनेशनल लेवले रम्या छे ब्लाइंड क्रिकेटरो हूँ आ बीजा ट्रस्टने के बीजा गामोने के राजकारणीओने के अधिकारीओने अपील करूँ छूँ मारा तरफथी के एमनी मदते आवे अने आवा क्रिकेटरनी आपने खूब जरूर छे जे विश्वमां आपणुं नाम रोशन करी रह्या छे। आजे एमने विसरी नाख्यो ए सारूं न कहेवाय अने दरेक आवा खिलाड़ीओ आवा टेलेंटेड युवाओने आगळ लावे अने देशमां जेमणे नाम रोशन कर्युं छे एमने हूँ तो कहूँ छूँ के एवाने खूब आ सरकारे ज मदद करवी जोईए अने बने त्यां सुधी कंईक अनेक संस्थाओमां जेमनी ज्यां जरूर હોય ત્યાં એમને નોકરી પર આપવી જોઈએ આવી મારી સરકારને અપીલ છે। ખૂબ આ બધાને મળ્યો મને ખૂબ આનંદ થઈ અને આ ભવિષ્યમાં પણ અમારી જ્યારે પણ એમને જરૂર હશે અમે નંબર આપીએ છીએ, અમે એમને સેવા માટે આતુર રહીશું। હાલ લોકડાઉન ચાલી રહ્યું જેમાં અમે ખૂબ જ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ખૂબ જ કપરી પરિસ્થિતિ વેઠી છે અમે, અને એ દરમિયાન અમને લગભગ 80 કિલોમીટર જેટલા દૂરથી ગુંડલાવના ગ્રામ પંચાયતના યુવા મિત્ર મંડળ દ્વારા અમને જે સહાય કરવામાં આવી એમનો અમને ખૂબ ખૂબ આભાર છે, અને એવી જ સહાય કરતા રહે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। वलसाड तहसील के फलेत्रा गांव में प्राथमिक शाला में फलेत्रा युवक मित्र मंडल और रमन भाई पटेल, चिमन भाई पटेल आदिवासी विकास सेवा संगठन ट्रस्ट वलसाड द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने में आया था। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के वक्त रक्त की ज़रूरत को पूरी करने आज रक्तदान कैंप का आयोजन करने में आया था, जिसमें बड़ी मात्रा में युवाओं ने रक्तदान किया था। रक्तदान कैंप के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन भी करने में आया था। वलसाड मामलतदार मनसुख भाई वसावा, बाल विकास अधिकारी शैलेश भाई, रूरल पुलिस सब इंस्पेक्टर जीबी गोहिल, सामाजिक आगेवान बड़ी मात्रा में उपस्थित रहे थे। आज फलद्रा गांव में रक्तदान शिविर आयोजित छे, त्यां हूं रक्तदान करवा आव्यो छुं। आज मारो पहली वार रक्तदान आप्युं, મને બહુ સારું ફીલ થતું છે, અને મારા ભાઈઓ તથા બહેનો, મારા સખા, મારા મિત્રોને બી આ જ સલાહ આપું છું કે તમે બધા રક્તદાન કરવા, કોરોના મહામારીમાં આપણે બધાને જ મદદરૂપ થવું છે, એટલે તમે પણ। આજે ફલદરા યુવક મિત્ર મંડળ દ્વારા ખૂબ જ સુંદર બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજની જોડે મેં મારા લાઈફમાં 1998 અત્યાર સુધીમાં 32મી વખત બ્લડનું ડોનેશન કર્યું છે। મને ખૂબ જ સુંદર અનુભવ રહ્યો અત્યાર સુધીમાં, કે મને કોઈકની સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો એ મને મારા માટે ખૂબ જ મને ખુશી થાય છે મને એના માટે। હવે યુવાનોને હું એટલું કહેવા માગું છું કે દરેક યુવાનોએ જાગૃત થઈને બ્લડ ડોનેશન કરવું જોઈએ, કે આજના કોરોનાના મહામારીના સમયમાં લોકોને બ્લડની ખૂબ જ જરૂરત હોવાથી આપણે સૌએ જાગૃત થઈને બ્લડનું ડોનેશન કરવું જોઈએ। પહેલો કેમ અમે રોણવેલ ગામે કહ્યું, બીજો અંજલાવ, અને ત્રીજો આજે ફલદરા ગામે બ્લડ કેમ્પ કર્યો છે। વિશ્વની મહામારીની અંદર કોરોના વાયરસથી વિશ્વ સંક્રમિત છે ત્યારે ભારત દેશની અંદર પણ ઘણા મોટા પાયે સંક્રમિત કેસો ઊભા થયા છે, ત્યારે આવનાર દિવસોની અંદર બ્લડની ખૂબ તાતી જરૂરિયાત હોવાના કારણે આવા બ્લડ કેમ્પ યોજીને અને એ આવનાર સમયને પહોંચી વળવા માટે એ પેશન્ટોને આપણે મદદ કરવા માટે બ્લડ કેમ્પ યોજીને બ્લડ જ્યારે બી જરૂર પડે એ બ્લડ બેંકની અંદર જમા કરીને અમે રાખી દઈએ છીએ, અને આવનાર દિવસોમાં કદાચ હજુ પણ આ કોરોનાનો સંક્રમિત પેશન્ટોનો ઘણો મોટો આંકડો નીકળે એમ છે ને આગળ વધે એમ છે, ત્યારે આ બધાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, બધાએ પ્રયાસ કરવો જોઈએ,
અને આદિવાસી વિકાસ સેવા સંગઠન માધ્યમથી 1251 જેટલી અનાજ કીટ વિતરણનું પણ અમે કામ જેને જરૂરિયાતમંદોને વિતરણ કરેલ છે। रानपाड़ा प्राथमिक शाला कैंपस में स्व शंकर भाई मोती भाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पत्नी रुशनबेन शंकर भाई पटेल और विधायक अरविंद भाई पटेल के सहयोग से संपूर्ण सुविधा युक्त प्रार्थना खंड के हुए निर्माण का लोकार्पण करने में आया था। इस लोकार्पण कार्यक्रम हाल कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर आमंत्रितों को मास्क वितरण और हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ आयोजन करने में आया था। इस अवसर पर कपराड़ा विधायक चीतू भाई चौधरी, प्रमुख जयदीप सिंह सोलंकी, APMC चेयरमैन जीवा भाई आहिर, महामंत्री विजय भाई पटेल और कई अग्रणी उपस्थित रहे थे। आज पगला थवाना चमन में बताने खबर थी गई इतिहास क्यों छे अब इन्हें हमारा मनीष भाई कारण के आज सरकस शंकर भाई मोती भाई चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण सहित महत्व की खगोलीय घटनाओं को देखने विशेष व्यवस्था की जाती है, जिससे सामान्य दिनों में ऐसी खगोलीय घटना के वक्त बड़ी मात्रा में खगोल प्रेमी धर्मपुर के विज्ञान केंद्र का दौरा करते हैं। जो कि कोरोना की वजह से यह ऐतिहासिक सूर्य ग्रहण को देखने कम लोग आए थे, जो कि धर्मपुर विज्ञान केंद्र द्वारा कोरोना संक्रमण की संभावना को देखते खगोल प्रेमियों को घर पर ही बैठकर देखने बताया था। पर ऐसे खगोल प्रेमियों के लिए धर्मपुर विज्ञान केंद्र द्वारा सूर्य ग्रहण को खगोल प्रेमी घर बैठकर देख सके, इसलिए फेसबुक सहित सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना का लाइव प्रसारण करने में आया था, जिससे खगोल प्रेमी घर बैठकर सूर्य ग्रहण देख सके और उनके लिए सच्ची वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त कर सके। धर्मपुर विज्ञान केंद्र में सूर्य ग्रहण देखने कई खगोल प्रेमी उपस्थित हुए थे, जिनको सूर्य ग्रहण की वजह से धरती और ब्रह्मांड में होते बदलाव के अंतर्गत सच्ची वैज्ञानिक जानकारी देने में आई थी। सूर्य ग्रहण माटे आज अमे सेलेस्ट्रॉन CPC 800 मॉडलनुं जे टेलिस्कोप छे एने सोलर फिल्टर पर माउंट करीने अमे आज सूर्य ग्रहण जोई रह्या छे अने वच्चे वच्चे नुं फेसबुक लाइव पण अमे करी रह्या छे कि जेथी COVID-19 ना जे संक्रमण ने कारणे आ ग्रहण अमे पब्लिक वच्चे लाइव नथी करी शकता, परंतु एने सोशल मीडियाना माध्यमथी लोको सुधी पहोंचाड़ी शकीए अने ग्रहण विशे लोको घरे बैठा अमारा फेसबुक पेज अने एनो लाभ लई शके। ग्रहण जोवा माटे खास सौथी पहेला तो तमारी पासे प्रॉपर सोलर फिल्टर होवू जोईए। तमारे नरी आँखे जो आ रीतनुं सोलर ग्रहण जोवुं होय तो तमारी पासे आ रीते सोलर व्यूअर होवा जोईए कि जे तमारी आँखोने नुकसान पहोंचाड़वाथी बचावे छे। अने जो तमारे टेलिस्कोपथी जोवुं होय तो आ प्रकारे एना पर सोलर फिल्टर एना पर माउंट करेलुं होवुं जोईए कि जेथी सूर्यना किरणो ए तमारी आँखोने नुकसान न पहोंचाड़े। आ जे ग्रहण आजे धरमपुरमां देखाई रह्युं छे એ ખંડગ્રાસ પ્રકારનું સૂર્યગ્રહણ આપણે ત્યાં દેખાશે। ભારતના બીજા જે એના બેલ્ટમાં આવે છે ત્યાં કંકણાકૃતિ પ્રકારનું સૂર્યગ્રહણ દેખાશે, પરંતુ ધરમપુર એ બેલ્ટમાં નથી એટલે આપણે ખંડગ્રાસ પ્રકારનું સૂર્યગ્રહણ જોઈ શકીશું। આ ગ્રહણ આપણે ત્યાં 3 કલાક ને 28 મિનિટ જેટલું ચાલશે, એટલે કે 1:30 આ ગ્રહણ પૂરું થશે અને 11:40 જે સમય છે એનો મેક્સિમમ પીક પીરિયડ રહેશે, જ્યાં એ પૂરે મહત્તમ સૂર્યને ઢાંકશે। ત્યાર પછી એ ગ્રહણ છૂટવાની શરૂઆત થશે, એટલે ચંદ્ર અને સૂર્ય છૂટા પડવાની પ્રક્રિયા શરૂ થશે અને 1:30 સૂર્ય અને ચંદ્ર બંને એકબીજાથી છૂટા પડી જશે। विश्व योग दिन के अवसर पर पारडी सुलभ नगर में आए प्रजापति ब्रह्म कुमारी सत्संग हॉल में रविवार को बहनों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विश्व योग दिन मनाया था। ब्रह्म कुमारी बहनों ने योग अंतर्गत मार्गदर्शन दिया था, साथ ही में सबसे उपयोगी योग करने से कोरोना महामारी से बचने रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और आरोग्य के लिए सुखदायी है।
नियमित योग करने से शरीर निरोगी रहता है। साथ ही में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने योग के लिए अपने विचार बताए थे। साथ ही में हाल कोरोना महामारी को लेकर समूह योग टालकर सब ने घर में ही योग दिन के अवसर पर योग किया था। जी एक बार आपने जमनी तरफ અને ડાબી તરફ આપણે એને ફેરવીશું, ફરીથી જમણીથી ડાબી તરફ, જમણી તરફ,